आप सब जानते हैं ये कबूतरबाजी का प्रोग्राम है और लोग बात कह देते हैं जी कबूतरबाजी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कबूतरबाजी खेलनी बच्चों का, इसमें तीन निकल जाता है चूचू का। तो आज हमारे बीच में दिल्ली से भी उस्ताद आए हुए हैं और गाजियाबाद से भी, मतलब ये है कि सभी जगह के उस्ताद आए हुए हैं। तो एक ईमान सम्मान का जो प्रोग्राम है, जो रीति रिवाज आता है कबूतरबाजी के अंदर, तो उस रीति रिवाज के हिसाब से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं भाई। और अपने अनिल भाई आ गए हैं चौड़ा से, वो भी आगे आ जाए भाई, नामी ग्रामी हस्ती है भाई ये भी कबूतरबाजी की। तो भाई आज ऐसे गांव में प्रोग्राम है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस गांव को नहीं जानता होगा। गांव दुजाना अपने आप में एक ऐसी पहचान है कि इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। किसी भी चीज में ले लो, कबड्डी की टीम, वॉलीबॉल की टीम, कबूतरबाजी में, हर चीज में ये गांव का नाम सबसे ऊपर आता है। तो भाई पहले तो इस गांव की धरती को मेरा नमन है। और हमारे मुखिया जी अज्जू भाई जो कबूतरबाजी की शान है, वो भी आ जाए आगे, इधर आ जाओ। मोनू भाई आप भी आ जाओ आगे, आ जाओ। आज के दिन तो हमारे लिए टाइम निकाल लो कबूतरबाजों के लिए भाई। तो अब ये प्रोग्राम जैसे कि शुरू करा जाता भाई, तो हमारे बीच में एक उम्र दराज उस्ताद भारद्वाज जी गाजियाबाद से आए हुए हैं। तो पहले तो मैं कमेटी से कहूंगा भाई, सभी उन्हीं का स्वागत करें और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करा जाए भाई। इस उम्र में कबूतरबाजी का होना और कबूतरबाजी में होना एक बहुत बड़ी बात है, जज्बा चाहिए भाई कबूतरबाजी के लिए। तो अपने भारद्वाज जी आए हुए हैं, तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस उम्र में कबूतरबाजी जो इंसान कर रहा है, वो अपने आप में कबूतरबाजी के लिए खुश नसीबी है और कबूतरबाजी के लिए पहचान है। तो मैं कमेटी से कहूंगा कि उस्ताद भारद्वाज जी का स्वागत करें। कमेटी के अपने अज्जू भाई मुखिया जी, प्रिंस भाई, मोनू भाई आ गए हैं, याद हो भाई, अब बैठो ना। ये अपने मोनू भाई हैं। तो मोनू भाई से भारद्वाज जी का स्वागत करवा रहे हैं भाई, कमेटी के मेंबर। और ये भारद्वाज भाई जोर से वो दिल्ली में ही उड़ेगा। तो उस्ताद जी ने मोटरसाइकिल रखी है,
5 मोटरसाइकिलें रखी हैं गर्मी के अंदर हर संडे संडे। स्वागत करेंगे अपने मिले भैया। अच्छा, कली भाजी स्वागत करेंगे सुबह साज का। तो भाई जोरदार ताली बजाओ एक बार। कलीपाजी इनका स्वागत करेंगे सुमित उस्ताद का। ये है जोरदार तालियों के साथ। इसमें पहला इनाम भारद्वाज जी अपने हाथों से इनाम मेरे भाई जोरदार ताली बजा दो भाई। अजय नागर चंडा गांव वो भी स्टेज पे आ जाए भाई। 11,000 रुपए जोरदार ताली हो जाए भाई इनके लिए भी। सुनील कुमार अजय सिंह पांडित है भाई तमने उत्ताज भारद्वाज जी सम्मानित करेंगे। तो भाई जोरदार ताली हो जाए एक बार। 5100 रुपए ₹4100 ने प्राइस दिया जा रहा है। दो गए दो प्राइस। अमित यादव अरसावा भाई इनका तो इसमें इन्हें 1100 रुपए का इनाम दिया गया है भाई। ₹2100 का इसमें प्राइस होता है। सामने सही फोटो भी खिंचवाओ भाई। राहुल डुनेडा इनका इसमें 1100 रुपए का नाम था जी और ट्रॉफी। अरे राहुल भाई तीसरा इनाम चले तीमड़ मार तीसरा इनाम दुष्यंत भाई और चौथा रह रहा है।
दूसरा नाम सानू भाई, सानू भाई आपको बढ़ावा इस तरह से दिया जाता है। देखो लग रहा भाई सभी भाई खाने में व्यस्त है, सभी खाओ भाई। अभी पीछे इन्होंने 24 घंटे 15 मिनट एक कबूतर उड़ाया जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का आज तक का रिकॉर्ड है, और ये ऑल इंडिया डे नाइट तब था उसमें, इसके लिए मुस्ताक जी का सम्मान। तालियों देगी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया ये सारी प्यार मोहब्बत ये बातों से नहीं मिलती, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो हिंदुस्तान की कबूतरबाजी में जो 24 घंटे 13 मिनट कबूतर उड़ा, इसमें 15 मिनट लिख रहे हैं, 24 घंटे 13 मिनट वो कबूतर उड़ाया, तो उसके लिए इन दोस्तों ने सभी भाइयों ने खलीफाओं ने सबने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हो सकता है और अच्छे कबूतर उड़ाए लोग तो उनका भी मान सम्मान ऐसे करा जाए, मेरी यह सभी से विनती है। भैया ये जो है एक नीटा उस्ताद जी को इनाम दिया जा रहा है, इसके अंदर लो फ्लायर के अंदर गिनती में एक दिन में सबसे ज्यादा कबूतर उड़ाने का इनका जो है रिकॉर्ड है, 271 कबूतर की इन्होंने उड़ान उड़ाई थी, है ना, 271 लो फ्लायर उड़ाए थे नीटा उस्ताद जी ने, तो उसके लिए विशेष सम्मान है। वो अनुपस्थित थे तो उनके लिए उनके ना उस्ताद जी से दे रहे हैं, वो उनको सौंप दिए। बहुत बढ़िया जी। वीडियो भी बन रही है क्या? वीडियो ही बन रही है। तो भाइयों ये अपने दुजाना गांव में जो मान सम्मान मिला है तो उसके लिए दुजाना गांव वालों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बहुत बहुत